हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं उत्तराखंड एलटी इंग्लिश 2018 का पेपर। इसे कंडक्ट कराया था 21 जनवरी 2018 को और हमारे पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज है सी। सो ये पेपर दो पार्ट्स में भी अवेलेबल है। जिसे टीचिंग एप्टीट्यूड देखना हो तो वो 30 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट वन में देख सकता है। जिसे इंग्लिश के क्वेश्चंस देखने हो तो वो 70 क्वेश्चंस इंग्लिश के पार्ट टू में देख सकता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल क्वेश्चंस, यानी कि 100 क्वेश्चंस, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और 70 क्वेश्चंस इंग्लिश के एक साथ होंगे। और इसी वीडियो में मैंने आपके सभी डाउट्स भी लिए हैं, जो आपने इंग्लिश के 70 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पे जो डाउट किए थे वो सभी यहाँ मैंने रिजॉल्व किए हैं। तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो ये सेट सी है मेरे पास और आप देख सकते हैं इसका पहला पेज कुछ इस तरीके से था, जिसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैसे आपको रोल नंबर लिखना है और कैसे आपको OMR भरनी है। यहाँ से पेपर शुरू होता है। तो पहला ही क्वेश्चन है आपका, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे। सो इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में भी देख सकते हैं पेपर को। हाउ विल यू मेनली डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन अमंग योर स्टूडेंट्स। सो इसमें ऑप्शंस दिए हैं, उनको उत्तरदायित्व देकर, अच्छे चरित्र का नियम बताकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर। सो राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, उनको उत्तरदायित्व देकर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ठीक है, अ टीचर प्लान्स हिज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कीपिंग इन व्यू। सो ऑप्शन ए है निर्मित उद्देश्य, ऑप्शन बी है मानव एवं भौतिक संसाधन, ऑप्शन सी है दोनों ए एवं बी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों ए एवं बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है। सो कौन सा इनमें से स्टिमुलस वेरिएशन स्किल नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके, विन्यास प्रेरण, संचलन, हाव भाव, वाक, स्वरूप परिवर्तन। ठीक है, सो यहाँ पे मूवमेंट, जेस्चर्स और चेंज इन वॉइस, ये तीनों तो हम जब स्टिमुलस वेरिएशन करते हैं तो यूज करते हैं, बट सेट इंडक्शन जो है वो उद्दीपन परिवर्तन कौशल नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। सो ऑप्शन ए है विद्यालय में छात्रों का समूह विभाजन करने में, निर्देशन के प्रयोजन हेतु, चयन करने के प्रयोजन हेतु, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इन सभी कार्यों के लिए हम इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि बुद्धि परीक्षणों का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना, परीक्षाओं की वैधता ज्ञात करना, परीक्षाओं की विश्वसनीयता ज्ञात करना, विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशलों को ज्ञात करना। सो अधिकम मापन यानी कि मेजरमेंट ऑफ लर्निंग। सो मेजरमेंट ऑफ लर्निंग करने के लिए आपको कौन सी चीज आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो कौन सी चीज आवश्यक नहीं है, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि लर्निंग को मेजर करने के लिए हम ये जानें कि किस टीचर ने कौन सी मेथड्स लगाकर बच्चों को पढ़ाया था, लेकिन ये जो बाकी चीजें हैं, परीक्षाओं की वैधता, परीक्षाओं की विश्वसनीयता और विद्यार्थियों द्वारा अर्जित कौशल, ये सब हम लर्निंग को मेजरमेंट करने के लिए जानेंगे। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। सो ऑप्शन ए है वृद्धिमान आवर्तन वक्र, ऑप्शन बी है ह्रासमान आवर्तन वक्र, ऑप्शन सी है समान आवर्तन वक्र, और ऑप्शन डी है एस आकार वक्र। सो आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, कर्व ऑफ इक्वल रिटर्न एंड एस शेप्ड कर्व। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस शेप्ड कर्व। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है। सो इसका ऑप्शन ए है समस्या का चयन, ऑप्शन बी है परिणामों का सामान्यीकरण, ऑप्शन सी है क्रियात्मक परिकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन डी है समस्या को दूर करने के लिए योजना निर्माण। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जनरलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। सो परिणामों का सामान्यीकरण नहीं किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है।
ठीक है, ऑप्शन ए है समायोजन करना, ऑप्शन बी है उन्मुखीकरण करना, ऑप्शन सी है संवेगों का विकास, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संवेगों का विकास। सो निर्देशन और परामर्श के थ्रू आप इमोशंस का डेवलपमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामपट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, सो ड्यूरिंग ब्लैक बोर्ड राइटिंग, ठीक है, राइटिंग करते समय ब्लैक बोर्ड पर क्या ध्यान रखेंगे आप? श्यामपट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी, श्यामपट तथा शिक्षक के मध्य दूरी, कक्षा कक्ष की लंबाई, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो क्लियर है आंसर, ऑप्शन ए श्यामपट तथा विद्यार्थियों के मध्य दूरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक व्यवहार कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। ठीक है, सो कॉग्निटिव बिहेवियरल स्किल्स इनेबलिंग द लर्नर टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स इन रियल सिचुएशन। जो हम थियोरी बच्चों को पढ़ाते हैं उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे समझना है ये क्या कहलाएगा? अवबोधन कहलाएगा, अनुप्रयोग कहलाएगा, विश्लेषण कहलाएगा, संश्लेषण कहलाएगा। तो विश्लेषण संश्लेषण तो नहीं कहलाएगा, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन होगा। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग, की रियल लाइफ सिचुएशंस में कैसे थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उसको यूज करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रविधि कौन सी है? ऑप्शन ए प्रश्नावली, ऑप्शन बी साक्षात्कार, ऑप्शन सी समाज समिति, समाज मिति, और ऑप्शन डी प्रत्यारोपण विधि। सो इसका पहली आंसर की में आंसर था प्रत्यारोपण विधि, और बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए प्रश्नावली या साक्षात्कार, आंतरिक मनोभावों को ज्ञात करने के लिए ये दोनों ही मेथड्स उपयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है शिक्षण कार्य के प्रति समर्पण, शिक्षक बनने की इच्छा रखना, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, छात्रों से अच्छा मेल जोल। तो यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड देने का निषेध, बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीन के तीन क्लॉजेस आरटीई एक्ट 2009 में हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका प्रयोजन शैक्षिक हो, संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो, सीखना क्रिया द्वारा हो, या उपयुक्त सभी। ठीक है, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये सभी चीजें होनी चाहिए जब भी आप प्रोजेक्ट वर्क किसी स्टूडेंट को दे रहे हों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है भाषण, ऑप्शन बी है अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन सी है अनुवर्क, और ऑप्शन डी है प्रदर्शन। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में देख सकते हैं लेक्चर, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन, ये तो होगा नहीं। सो ट्यूटोरियल यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ट्यूटोरियल सिर्फ इसीलिए दिया जाता है जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए। इसके बाद है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस में एक टीचर वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। ऑप्शन ए है यह सही है, ऑप्शन बी है यह गलत है, ऑप्शन सी है यह आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यह सही है, क्योंकि क्लासरूम में टीचर वर्बली और नॉन वर्बली दोनों तरीके से कम्युनिकेट करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? पृष्ठ पोषण हेतु, कौशलों के विकास हेतु, पाठ पूर्ण करने हेतु, मूल्यांकन हेतु। सो माइक्रो टीचिंग आप सभी जानते होंगे डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स से, यानी कि शिक्षण कौशलों के विकास से रिलेटेड है। सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की बुरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? ठीक है, तो
यहाँ पर ऑप्शंस दिए हैं इनसाइट थियोरी, ट्रायल एंड एरर थियोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी और फील्ड थियोरी, ठीक है। सो हिंदी में भी दिए हैं सभी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी। इसे पेवलॉव ने दिया था जब उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करके उसके व्यवहार में परिवर्तन किया था। सो ये जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा किसी भी स्टूडेंट की बुरी आदत को सुधारने के लिए भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है। सो इसका पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा है गैर संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट, तीसरा है बौद्धिक पक्ष यानी कि इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट, और चौथा है बाह्य पक्ष यानी कि एक्सटर्नल एस्पेक्ट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, गैर संज्ञानात्मक पक्ष यानी कि नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यवहारिक विधि है। तो कैसे आप डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग बच्चों को बता सकते हैं, ये एक लैंग्वेज पेडागोजी का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका डायरेक्ट उन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना, टीच देम यूसेज ऑफ सच वर्ड्स इन सेंटेंस, ठीक है। सो वाक्यों में प्रयोग करके बच्चे जल्दी वोकैबुलरी को लर्न करते हैं। सो यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली, काले कोट को देखकर डरने लग गया, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ये किस तरीके की कंडीशनिंग है ये पूछ रहा है, अनुक्रिया का सामान्यीकरण और उद्दीपक का सामान्यीकरण। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। यहाँ पे रिस्पॉन्स और स्टिमुलस दोनों का ही जनरलाइजेशन हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों के वास्तविक संवाहक क्या हैं, ठीक है, गुणसूत्र, केंद्रक, जीन्स या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जीन्स आनुवंशिक गुणों के संवाहक होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है, ठीक है। सो शैक्षिक मापन यानी कि एजुकेशनल मेजरमेंट, साक्षात्कार, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट यानी मानक संदर्भित परीक्षण, प्रश्नावली और अवलोकन। सो ये तीनों तो शैक्षिक मापन के तरीके हैं, बट मानक संदर्भित परीक्षण जो है यहाँ पर शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा, ऑप्शन ए समानता का नियम, ऑप्शन बी भिन्नता का नियम, ऑप्शन सी प्रतिगमन का नियम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। सो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, वेरिएशन, रिग्रेशन, ये तीनों के तीनों पता होने चाहिए आपको हेरिडिटी को समझने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है। सो ये क्या है, एक शिक्षण सूत्र। सो ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण व्यूह रचना है यानी कि टीचिंग स्ट्रेटेजी है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना, शिक्षण की विधि, कक्षा में अतिरिक्त क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, मेथड ऑफ टीचिंग, एक्स्ट्रा एक्टिविटी इन क्लास, नन ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना यानी कि प्लान टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। सो टीचिंग स्ट्रेटजीज को हम बनाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं, मीजोमॉर्फिक पर्सनालिटी की बात हो रही है यहाँ पर। सो ऑप्शन ए है परंपरावादी एवं सामाजिक, ट्रेडिशनल एंड सोशल, बी है शांतिप्रिय एवं एकांत प्रिय, पीस लविंग एंड सॉलिट्री, और ऑप्शन सी है जोशीले एवं क्रोधी, एनर्जेटिक एंड एंग्री, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सो यहाँ पे राइट आंसर इनमें से कोई सा भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी लास्ट आंसर की जो इस पेपर की आई थी उसमें डिलीट कर दिया गया था, और इसका राइट आंसर होगा एडवेंचरस, अट्रैक्टिव एंड कम्पेटिटिव, ठीक है। सो यहाँ पर एडवेंचरस यानी एनर्जेटिक तो था लेकिन इसके साथ क्रोधी दिया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, अदरवाइज इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन डी, ठीक है। सो मीजोमॉर्फिक पर्सनैलिटी वाले जो व्यक्ति होते हैं उनमें किस तरह के गुण होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं और कंपेटिटिव भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल शिक्षण में दल है। सो यानी कि टीम टीचिंग में टीम किसकी होती है, ऑप्शन ए अध्यापकों का जो शिक्षण योजना की तैयारी कर उसका क्रियान्वयन करता है, ऑप्शन बी
छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है, ऑप्शन सी अध्यापकों एवं छात्रों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अध्यापकों का जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 29, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है ऑप्शन ए चिंता ना होना नो एंजाइटी, ऑप्शन बी अत्यधिक चिंता एक्सेसिव एंजाइटी, ऑप्शन सी सामान्य चिंता यानी कि नॉर्मल एंजाइटी, ऑप्शन डी अधिगम का चिंता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य चिंता। सो जो छात्रों को सीखने के लिए तैयार करती है वो है नॉर्मल लेवल की एंजाइटी। इसके बाद 30th क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है, यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है, ऑप्शन ए प्रदर्शन, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक, ऑप्शन सी समस्या समाधान, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट। सो इसे सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एक निष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप कहा जा रहा है। सो ये राइट आंसर होगा इसका यहाँ पर ऑप्शन डी प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, सो जो प्रोजेक्ट विधि है ये कथन जो है इसकी तरफ इशारा करता है। सो फ्रेंड्स 31 से शुरू होते हैं इस पेपर में इंग्लिश के क्वेश्चंस। मैंने पेपर को काफी जूम कर दिया है, अगर आपको क्लियर ना दिखाई दे क्वेश्चंस तो आप इस वीडियो को 360 की क्वालिटी में देखिएगा। तो ये शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, हु इज नोन फॉर द वेसेक्स नॉवल्स। वेसेक्स नॉवल्स के लिए कौन जाने जाते हैं, ऑप्शन ए है वॉल्टर स्कॉट, ऑप्शन बी है एंथनी ट्रोलॉप, ऑप्शन सी है मेरेडिथ एंड ऑप्शन डी है थॉमस हार्डी। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी थॉमस हार्डी वेसेक्स नॉवल्स के लिए जाने जाते हैं। रीजनल नॉवलिस्ट हैं ये आर के नारायण की तरह, जैसे आर के नारायण मालगुडी नॉवल्स के लिए जाने जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रीडिंग इज हिज फेवरेट पैशन, द अंडरलाइन वर्ड इज हियर एक्ट्स एज। सो रीडिंग है अंडरलाइन वर्ड, ये कैसे एक्ट कर रहा है, ऑप्शन ए है पास्ट पार्टिसिपल, ऑप्शन बी है जिरन, ऑप्शन सी है प्रेजेंट पार्टिसिपल और ऑप्शन डी है पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी जिरन, यहाँ पे रीडिंग एज अ वर्ब एंड एज अ नाउन एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गाइड वॉज पब्लिश्ड इन, द गाइड किस ईयर में पब्लिश हुई थी, 1956, 1957, 1958 एंड 1959। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी 1958 में पब्लिश हुई थी द गाइड बाय आर के नारायण। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ब। सो एक सेंटेंस दिया है, मिस्टर अनुराग स्पीक्स एज इफ ही द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वर। सो एक कंडीशनल सेंटेंस है, मिस्टर अनुराग स्पीक्स एज इफ ही वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अनफुलफिल्ड कंडीशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन विच नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद इज नोन एज कैरेक्टर नॉवल। सो ऑप्शन है यहाँ पर अनटचेबल, कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड, द विलेज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुली। ठीक है, कुली को मुन्नो जो सेंट्रल कैरेक्टर था उसके लिए कैरेक्टर नॉवल कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु लिव्स अ लाइफ फुल ऑफ प्लेजर एंड फन कॉल्ड। ठीक है, जो प्लेजर और फन की लाइफ को जीता है उसके लिए वन वर्ड पूछा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए हेडोनिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, हेडोनिस्ट कहते हैं उन्हें जो प्लेजर और फन की लाइफ जीना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन्स दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच पोएम ऑफ मिल्टन। सो मिल्टन की किस पोएम में ये लाइन आती है, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। सो ये आता है मिल्टन के फेमस सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट रियल पोएट ऑफ डेमोक्रेसी। सो डेमोक्रेसी का पोएट हम किसे कहते हैं, ऑप्शन ए वॉल्ट विटमैन को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल बाय एम आर आनंद। सो मुल्कराज आनंद का ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा है, ऑप्शंस है टू लीव्स एंड अ बर्ड, अनटचेबल, मॉर्निंग फेस, कुली।
सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, मॉर्निंग फेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक, अ फायर डैश आउट इन अवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। सो आपको इसमें करेक्ट वर्ब फिल करनी है। ऑप्शन ए है ब्रेक, ऑप्शन बी है इज ब्रेकिंग, ऑप्शन सी है ब्रोक और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अ फायर ब्रोक आउट इन अवर स्ट्रीट लास्ट नाइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉस्टिस वाइडली कोटेड पोयम मेंडिंग वॉल वॉज पब्लिश्ड इन। सो मेंडिंग वॉल को किस कलेक्शन में पब्लिश किया था? ऑप्शन ए है माउंटेन इंटरवल, ऑप्शन बी है नॉर्थ ऑफ बोस्टन, ऑप्शन सी है अ बॉयज विल और ऑप्शन डी है न्यू हैम्पशायर। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, नॉर्थ ऑफ बोस्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड अल्ट्रुइस्ट इज। सो अल्ट्रुइस्ट किसे कहते हैं हम? ऑप्शन डी, वन हु कंसीडर द वेलबींग ऑफ अदर्स। ठीक है, सो वन हु कंसीडर्स द वेलबींग ऑफ अदर्स, यानी कि जो सबका भला चाहता है उसी को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रुइस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु पेड होमेज टू वन ऑफ हिज कंटेम्प्ररी पोएट्स इन इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स। सो इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी यीट्स को किसने लिखा है? ऑप्शन सी, डब्ल्यू एच ऑर्डन ने लिखा है। सो ऑर्डन ने ही होमेज पे की थी इसमें डब्ल्यू बी यीट्स को, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर सेवेजली स्लॉटर्ड इन द प्ले मैकबेथ। ऑप्शंस दिए हैं आपको मेलकम, रॉस, मैकडफ एंड मैकबेथ। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल पे मैकबेथ देखी होगी तो आप इस क्वेश्चन को जरूर आंसर कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैकडफ। मैकडफ के बच्चों और वाइफ को मैकबेथ ने मरवा दिया था बहुत ही सेविश तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ फ्रांसिस बेकन। सो ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स में करवाया है। इसका राइट आंसर होगा 1561 टू 1626। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ एमिकेबली इज। एमिकेबल का मीनिंग होता है फ्रेंडली, सो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा, इन अ फ्रेंडली वे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म निगेटिव कैपेबिलिटी वॉज फर्स्ट यूज बाय। सो सबसे पहले निगेटिव कैपेबिलिटी को किसने यूज किया था? ऑप्शन ए, जॉन कीट्स ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड बिलोंग। सो अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पर, द मॉरल लॉ इज अबव सिविल। सो अबव यहाँ पर कौन सा पार्ट होगा? प्रीपोजिशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, द मेजर्स टेकन टू एंड द एजिटेशन प्रूव्ड। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, इफेक्चुअल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द स्पीकर ऑफ द ओपनिंग लाइन ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट। सो यहाँ पे लाइन दी है, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। सो इन लाइन्स को कहने वाला कौन था? ड्यूक और सिनो। सो ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द रिटर्न ऑफ द नेटिव रिटर्न। सो रिटर्न ऑफ द नेटिव लिखी गई थी ऑप्शन बी 1878 में, और 1878 में ही ये पब्लिश भी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, हु इज द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन। सो इस फेमस लाइन के राइटर हैं अलेक्जेंडर पोप, इन्होंने ये लाइन लिखी थी एसे ऑन मैन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेज हैज द सेम मीनिंग एज व्हील एंड वो। सो व्हील एंड वो का मीनिंग होता है अप्स एंड डाउन्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इडियट बॉय बाय वर्ड्सवर्थ इज एन। सो इडियट बॉय का जो पोएटिक फॉर्म है वो क्या था? एलिजी, सोनेट, बैलेट और ड्रामेटिक मोनोलॉग। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बैलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मास्टर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक इन द ब्रिटिश इंग्लिश फिक्शन वर्क। सो ऑप्शन ए है जेन ऑस्टिन, ऑप्शन बी है जोसेफ कॉनराड, ऑप्शन सी है एमिली ब्रॉन्टे, ऑप्शन डी है वर्जीनिया वुल्फ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, वर्जीनिया वुल्फ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ओकेजन फॉर राइटिंग द पोयम ओ कैप्टन माय कैप्टन। सो ओ कैप्टन माय कैप्टन एक बहुत फेमस अमेरिकन पोयम है जिसे वॉल्ट विटमैन ने लिखा है, और उन्होंने कब लिखी थी ये पोयम? जब अब्राहम लिंकन को असैसिनेट किया गया था। सो ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर, द असैसिनेशन ऑफ अब्राहम लिंकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिस फेमस लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड इज रिटन बाई होम। तो ये फेमस लाइन किसने लिखी है? तो मैंने आपसे कहा था कि 2018 के पेपर में बहुत सारे कोटेशंस पूछे गए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर। सो ये लाइन लिखी थी ऑप्शन बी लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन ने अपनी पोयम यूलेसिस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लंट शेली हु इज स्विस बाय बर्थ इन आर्म्स एंड मैन फाइट्स फॉर। सो आर्म्स एंड मैन में जी बी शॉ का प्ले है ये। आर्म्स एंड मैन में ब्लंट शेली किसकी तरफ से लड़ता है? सो होता ये स्विस है बट ये लड़ता किसकी तरफ से है? ऑप्शन ए सर्बियंस की तरफ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द पोएम डोवर बीच। इसे मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए मैथ्यू आर्नल्ड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन ओड बाय जॉन कीट्स। सो इनमें से कौन सा ओड जो है उसे जॉन कीट्स ने नहीं लिखा है? ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है, ओड ऑन ग्रेशन अर्न जॉन कीट्स का है, ओड टू ऑटम ये भी जॉन कीट्स का है, ओड टू वेस्ट विंड ये है पी बी शैली का। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्लस वर्ब फॉर्म इज। सो टू प्लस वर्ब फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? इन्फिनेटिव होती है, जब टू के साथ वर्ब लगती है तो इन्फिनेटिव बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड रेनेसा मीन्स। सो रेनेसा का मतलब क्या होता है ये हर लिटरेचर के स्टूडेंट को पता होगा। रेनेसा मीन्स होता है रिवाइवल ऑफ लर्निंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से एक कोटेशन है, पोप कुड फिक्स इन वन कपलेट मोर सेंस देन आई कैन डू इन सिक्स। हु सेड दिस अबाउट पोप। तो पोप के बारे में ऐसा किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन, ऑप्शन बी स्विफ्ट, ऑप्शन सी एडिसन, ऑप्शन डी ड्राइडन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी स्विफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वर्क बाय स्टीफन स्पेंडर। ऑप्शन ए है वर्ल्ड विद इन अ वर्ल्ड, ऑप्शन बी है द टेम्पल, ऑप्शन सी है फॉर हुम द बेल टोल्स, ऑप्शन डी है द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फॉर हुम द बेल टोल्स। ये एक नॉवल है जिसे लिखा है अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज गेटिंग डार्कर द सेंटेंस इज इन। सो ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा गया है? सो बहुत ही क्लियर है यहाँ पर कि ये सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नॉवल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज अडॉप्टेड इन टू हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रंस फिल्म। सो ये कौन सा वर्क था उनका? द ब्लू अम्ब्रेला। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, दोबारा पूछा जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ टेनिसन्स डिपार्टेड फ्रेंड टू हुम ही हैज डेडिकेटेड मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स इज। सो टेनिसन का कौन सा फ्रेंड है? उन्होंने बहुत सी पोएम्स लिखी है लाइक इन मेमोरियम। किसके लिए लिखी है? आर्थर हेनरी हालम के लिए। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन अ पोएम ऑफ 14 लाइंस इज नोन एज। सो 14 लाइन पोएम इज नोन एज सोनेट। और सोनेट दो टाइप के होते हैं, इटालियन सोनेट्स एंड इंग्लिश सोनेट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट। सो ही वॉज हंग फॉर द मर्डर और दिस बुक इज प्रेफरेबल टू दैट। सो ये तो सही है बट ये गलत है। सो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सेकेंड इज करेक्ट एंड फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अ कोटेशन, सो लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट इज अटर्ड बाय। सो अगेन अगर आपने मैकबेथ पढ़ी होती तो आप बता पाते कि ये मैकबेथ का है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टोरी ऑफ रस्किन बॉन्ड शोज हिज डीप अफेक्शन फॉर द माउंटेन्स एंड द ट्रीज। ठीक है, सो रस्किन बॉन्ड उत्तराखंड में ही रहते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डेथ ऑफ द ट्री। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सेकेंड टाइटल ऑफ ट्वेल्थ नाइट। सो सब टाइटल क्या है ट्वेल्थ नाइट का? वट यू विल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ पजेसिव एडजेक्टिव। सो पजेसिव एडजेक्टिव है इसमें डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन अमेरिकन पोएट। सो वॉल्ट विटमैन अमेरिकन है,
एमिली डिकेंसन अमेरिकन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन है, बट स्टीफन स्पेंडर एक ब्रिटिश पोएट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इमिलिया इन द प्ले ऑथेलो? ऑथेलो भी मैंने पढ़ाई है, और अगर आप चाहें तो फोर ग्रेट ट्रेजेडीज बाय विलियम शेक्सपियर इस प्लेलिस्ट में जाकर इस प्ले को भी पढ़ सकते हैं। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, वाइफ ऑफ इयागो। इमिलिया इस प्ले में इयागो की वाइफ होती है और साथ ही डेस्डिमोना की फेथफुल मेड भी होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरोजनी नायडूज अनपब्लिश्ड वर्क्स वर ब्रॉट आउट आफ्टर हर डेथ अंडर द टाइटल। सो कौन सा वर्क यहाँ पर जो है वो पॉस्टमसली पब्लिश हुआ है सरोजनी नायडू का? सभी कलेक्शन है पोइट्री के, और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, फैदर ऑफ डॉन। ये एक पॉस्टमस पब्लिकेशन है सरोजनी नायडू का, बाकी सभी उनकी लाइफ टाइम में आ गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय टी एस एलियट? सो इन द सेवन वुड्स, जोरोनिशन, द वेस्ट लैंड एंड एश वेनेसडे। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जोरोनिशन, द वेस्ट लैंड एंड एश वेनेसडे तीनों ही टी एस एलियट की पोएम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 78, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट पेयर ऑफ सीजर्स टू मी। सो इस ब्लैंक में आपको फिल करनी है राइट वर्ब। ऑप्शन ए है बिलोंग्स, ऑप्शन बी है बिलोंग, ऑप्शन सी है बिलोंगिंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बिलोंग्स। सीजर्स हमेशा प्लूरल नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर इसको पेयर लगाकर सिंगुलर बना दिया है, क्योंकि पेयर हमेशा सिंगल होता है, तो यहाँ पर सिंगुलर के लिए जो वर्ब आएगी वो होगी बिलोंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोयम ऑफ डब्ल्यू बी येट्स इन विच फॉलोइंग लाइन्स अकर्स। सो गाइस फिर से लाइन्स आई हैं, अ माउथ दैट हैज नो मॉइस्चर एंड नो ब्रीथ, आई कॉल इट डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ। ये फेमस लाइन है डब्ल्यू बी येट्स की पोयम बिजेंशियम की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैसेंजर सेंट टू टीच द गॉस्पेल इज कॉल्ड। सो यहाँ पर वन वर्ड पूछा है इसके लिए, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अपोस्टल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। ये मैंने आपको कल वाले जो प्रैक्टिस सेट है उसी में दिया है। सो राइट राइम स्कीम क्या होगी? ए बी ए बी, सी डी सी डी, ई एफ ई एफ, जी जी। मैंने कहा था कि बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, चूज द करेक्ट ऑप्शन, एडजेक्टिव ऑफ द वर्ड डेथ। ऑप्शन ए डाई, ऑप्शन बी डेड, ऑप्शन सी डेडली एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का उस समय दिया था आयोग ने, वो था ऑप्शन सी डेडली। बट जो मैंने 70 इंग्लिश के क्वेश्चंस का वीडियो बनाया है, उसमें किसी बच्चे ने कहा है कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी डेड। सो ऑफ कोर्स इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी डेड। इनफैक्ट उस समय कुछ बच्चे करके आए थे डेड भी, और उन्होंने इस क्वेश्चन को चैलेंज भी किया था, बट आयोग ने इसका आंसर चेंज नहीं किया था फाइनल आंसर की में, और इसका आंसर डेडली ही था। इनफैक्ट इस क्वेश्चन को हाईकोर्ट तक भी लेके गए थे बच्चे, उसके बावजूद आयोग ने इसका आंसर चेंज नहीं किया था, क्योंकि आप जानते ही हैं कि आयोग अपनी मनमानी करते आए हैं और करते रहेंगे। सो इस तरह के क्वेश्चन से आप लोग बचिएगा। और एज फार एज जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इसके ऑप्शन जो हैं दोनों ही करेक्ट होने चाहिए, ऑप्शन सी भी और ऑप्शन बी भी, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द फॉलोइंग, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम। फिर से एक कोटेशन है, और कोटेशन है बेकन से, फ्रांसिस बेकन का एसे है ऑफ स्टडीज, वहां से ये कोटेशन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट एंटोनिम ऑफ जेनरस। सो जेनरस का करेक्ट एंटोनिम ऑप्शंस हैं क्लम्सी, ऑकवर्ड, गिल्टी एंड स्टिंगी। सो राइट आंसर होगा स्टिंगी, स्टिंगी का मीन्स होता है कंजूस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिफाइंड विट एज, वट ऑफ्ट वॉज थॉट बट नेवर सो वेल एक्सप्रेस्ड। सो आप देख सकते हैं फिर से एक कोटेशन आया है, और अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो जरूर बताएं कि कितने कोटेशन आए हैं टोटल इस पेपर में। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग रिटन और सेट इन मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन, स्पेशली वर्ड्स रिटन ऑन ग्रेव स्टोन इज कॉल्ड। सो वर्ड्स रिटन ऑन ग्रेव स्टोन इज कॉल्ड एपिटेफ। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉल्स फेस मस्ट हाइड व्हाट द फॉल्स हर्ट डॉट नो, हु स्पीक्स दीज लाइंस एंड टू हूम इन मैकबेथ। सो फिर से एक कोटेशन है मैकबेथ से, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ये लाइंस मैकबेथ ने कही थी लेडी मैकबेथ से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर ऑफ अस डाई इन बेड देन आउट ऑफ इट।
इन द गिवन सेंटेंस मोर इज, इस सेंटेंस में मोर क्या है? प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजक्शन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज वोयलास ब्रदर इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट? सो ट्वेल्थ नाइट अगर आपने पढ़ी होगी तो बहुत सिंपल सा आंसर है ऑप्शन ए, सेबेस्टियन। ट्वेल्थ नाइट में वोयला और सेबेस्टियन ट्विंस ब्रदर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, वन हु हेट्स मैनकाइंड। सो इसके लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा मिसैंथ्रोपिस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम द थ्री मेन इवेंट्स ऑफ मैंस लाइफ ऑन अर्थ आर डिपिक्टेड इन अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का इंडियन व्यूवर्स, इसमें थ्री स्टेजेस ऑफ मैन दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड। सो यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है, देयर वर ट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्रिटिक हु डिफाइंड रोमांटिसिज्म एज द एडिशन ऑफ स्ट्रेंजनेस टू द डिजायर ऑफ ब्यूटी। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वॉल्टर पीटर। ये भी एक कोटेशन है, आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक दे वर डैश एंटरिंग द विलेज। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, ठीक है, दे वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द विलेज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया वॉज अ टाइटल गिवन टू सरोजनी नायडू बाय। सो सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसने कहा था? ये कल ही वाले सेट में बताया है, ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। देन विच ऑफ दीज वर्क्स डज नॉट बिलोंग टू रॉबर्ट लेन। सो ऑप्शन ए है आयरलैंड अ नेशन, ऑप्शन बी है ओल्ड एंड न्यू मास्टर्स, ऑप्शन सी है द आर्ट ऑफ लेटर्स एंड ऑप्शन डी है माय अर्ली लाइफ। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, माय अर्ली लाइफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्लाई सुटेबल आर्टिकल। सो आर्टिकल से है क्वेश्चन, ही इज हेयर टू द थ्रोन। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही इज एन हेयर टू द थ्रोन। एच साइलेंट होता है इस वर्ड में। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल नेम ऑफ आर के नारायण इज। सो आर के नारायण का फुल नेम काफी पूछा जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, राशिपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस वर इज ट्रू, नीदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू। सो नीदर इन दिस सेंटेंस इज यूज्ड एज, इस सेंटेंस में नीदर को कैसे यूज किया गया है? सो नीदर एक प्रोनाउन होता है, ये कौन सा प्रोनाउन है ये पूछा है बेसिकली इन्होंने। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नीदर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। इसे भी आप प्रोनाउन वाली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था 2018 उत्तराखंड एलटी का पेपर। इसके बाद मिलते हैं हम 2018 उत्तराखंड लेक्चरर के पेपर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।